जिले के महाराष्ट्र सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में पुलिस को भारी पड़ते हुए एक नक्सली कैंप छोड़कर फरार हो गए। वहीं पूर्ण मुठभेड़ के बाद पुलिस को घटनास्थल से बड़ी मात्रा में खून और धब्बे, साथ ही नक्सलियों के सामान भी मिले हैं। नक्सल विरोधी अभियान के तहत राजनांदगांव जिले में लगातार मुस्तैद पुलिस को आज नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त करने में सफलता हासिल हुई। पुलिस को जंगल में नक्सलियों के कैंप की जानकारी मिली थी। पुलिस की संयुक्त टीम ने कैंप पर धावा बोला, नक्सलियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस को भारी पड़ते देख नक्सली मौके से फरार हो गए। 6:30 बजे के आसपास जो है औंधी थाना के अंतर्गत जो है कांकेर, राजनांदगांव और गढ़चिरौली का जो ट्रायंगल है, कोहका टोला का जंगल है, वहां पर जो सुबह 6:30 बजे जो है जबरदस्त मुठभेड़ हुआ नक्सलियों के कैंप में। जैसे मतलब जो है पुलिस को जो है भारी पड़ता देख के जो है नक्सली जो है पूरा कैंप छोड़ के जो है भागने में जो सफल हो गए। और उसमें हम लोगों को जो है 5 जो है हथियार मिले हैं, उसमें से 3 नॉर्थ 3 है, 2 315 बोर का है, 1 एयरगन है और 1 भरमार है।